सेरिबेलर कॉर्टेक्स इट इज मेडअप ऑफ थ्री लेयर्स. अगर हम आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे, द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर लेयर, सेकेंड वन इज परकंजी सेल लेयर, थर्ड वन इज ग्रैनुलर लेयर. मॉलिक्यूलर लेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के डेंड्राइट्स होते हैं, लाइक स्टेलेट सेल्स, गॉल्जी सेल्स. गॉल्जी सेल्स तो नहीं होते, ग्रैन्यूल सेल्स के और स्टेलेट सेल्स के डेंड्राइट्स होते हैं और सेल बॉडीज होती हैं स्टेलेट सेल. ये आप लोग डिटेल में करेंगे व्हेन यू विल गो फॉर हिस्टोलॉजी. देन कम्स द परकंजी सेल लेयर. परकंजी सेल लेयर में बेसिकली सेल बॉडीज होती हैं परकंजी सेल्स. परकंजी सेल इज बेसिकली गॉल्जी टाइप न्यूरॉन, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरॉन है एंड मेन न्यूरॉन है ऑफ द सेरिबेल. ठीक है, क्योंकि जितना भी इफरेंट आउटफ्लो यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन सेरिबेलम से दूसरे पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचती है, इट इज थ्रू द एक्सॉन ऑफ दिस परकंजी सेल. तो परकंजी सेल की जो सेल बॉडीज होती हैं, दे आर लोकेटेड इन द परकंजी सेल लेयर. द थर्ड और द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेरिबेलर कॉर्टेक्स, ठीक है, इज ग्रैन्यूलर लेयर. ग्रैन्यूलर लेयर में गॉल्जी सेल्स हैं, ग्रैन्यूल सेल्स हैं, एक्सेट्रा एंड डेंड्राइट्स ऑफ द अदर लेयर. ठीक, ये जितने सेल्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं लिखे हुए, परकंजी सेल है, बास्केट सेल है, स्टेलेट सेल है, गॉल्जी सेल है या ग्रैन्यूलर सेल्स है, ये सारे न्यूरॉन्स हैं. ठीक है, दीज आर ऑल न्यूरॉन्स विच आर हैविंग डिफरेंट नेम्स. ठीक है, इनका डिटेल क्या है, यू विल गो व्हेन यू विल टीच, वी विल टेल यू व्हेन वी विल डिस्कस हिस्टोलॉजी विद. ठीक, तो मेन अभी आपको याद रखना है कि जो मेन सेल हमारे पास सेरिबेलम का है इज द परकंजी सेल. ठीक, अच्छा दूसरी बात यहाँ पर लिखी भी है, कुछ फाइबर्स भी नजर आ रहे हैं आपको, ये आपकी बुक की डायग्राम है, क्लाइंबिंग फाइबर्स एंड मूजी फाइबर्स. ये जो फाइबर्स हैं दे आर बेसिकली द एफरेंट फाइबर्स. ये वो फाइबर्स हैं जो एफरेंट इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सेरिबेलम. ठीक है, और जैसे ही ये एफरेंट फाइबर्स सेरिबेलम के अंदर एंटर होंगे, दे विल साइनेप्स with the dendrites and the cell bodies, sorry, with the dendrites of the Purkinje cell, and what they will do in return, they will excite the Purkinje cells. Second taraf, agar hum dekhen, is side pe dekhen, agar aap right side pe, to the main efferent outflow, main efferent outflow is basically by the Purkinje cell exon. ठीक है, और ये जो इफरेंट आउटफ्लो निकलता है परकंजी सेल एक्सॉन से, इट इज बेसिकली इनहिबिटरी इन नेचर. और ये इफरेंट आउटफ्लो जा कहाँ रहा है, बेसिकली टू द सेरिबेलर न्यूक्लियाई, जो अभी हमने डिस्कस किए थे, दे आर फोर इन नंबर, डेंटेट, इबोलीफॉर्म, ग्लोबस एंड वेस्टिजियल, एंड टू द लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. यानी अगर हम दोबारा रिव्यू करें तो द एफरेंट इंफॉर्मेशन इट एंटर्स इन द सेरिबेलम via climbing fibers and Mosey fibers. Ye afferent fibers cerebellum mein enter honge, synapse with different neurons of the cerebellar cortex including the Purkinje cells, and what in return they do, they excite the cells. Theek hai, phir kya hoga, the Purkinje cells se axon niklega jo ki main efferent fiber hai ya efferent outflow banata hai of the cerebellum. Theek hai, and its synapses with the intracerebellar nuclei. Most of the fibers of Purkinje cell, they synapse with the intracerebellar nuclei, but sometimes some fibers of the Purkinje cell, they do not synapse with intracerebellar nuclei. They bypass the cerebellar nuclei and leave the cerebellum to synapse with other nuclei present in the brain stem. ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि एफरेंट इंफॉर्मेशन या एफरेंट फाइबर्स सेरिबेलम में आ रहे हैं थ्रू क्लाइंबिंग एंड मूजी फाइबर्स, और फिर वो एक्साइट करेंगे परकंजी सेल को. परकंजी सेल के जो एक्सॉन्स हैं, दे साइनेप्स, मोस्ट ऑफ देम दे साइनेप्स विद द इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियस, एंड सम ऑफ देम दे बाईपास द इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियस एंड साइनेप्स विद द न्यूक्लियस, अदर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन स्टेम. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है. ये स्लाइड आपको बेसिकली दिखाई जा रही है
डिफरेंट सेरिबेलर पेडंकल्स के अंदर से कैसे कैसे फाइबर्स गुजरते हैं, कहीं से इफरेंट फाइबर्स गुजरते हैं सिर्फ, कहीं से इफरेंट एंड एफरेंट फाइबर्स दोनों गुजरते हैं। लेट्स सी, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो कि कनेक्ट कर रहा है सेरिबेलम को विद द मिड ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स बोथ। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल में सिर्फ और सिर्फ एफरेंट फाइबर्स प्रेजेंट हैं जो कि बेसिकली एक ट्रैक है पॉन्टो सेरिबेलर। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में एफरेंट फाइबर्स भी हैं एंड इफरेंट फाइबर्स। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए बिकॉज वी आस्क दीज थिंग्स इन बीसीक्यू। ठीक है, बीसीक्यू में जब आपके आता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देते हैं तो वी यूजुअली आस्क दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये इंफीरियर और मिडिल सेरिबेलर पेडंकल दिखा एंड दिस इज द सुपीरियर।